बात उस शौर्य की कर लेते हैं जिसे देश जो है वो सलाम कर रहा है। देखिए, भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की महिला कैप्टन शिवा चौहान ने दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक कहे जाने वाले युद्ध क्षेत्र पर मोर्चा संभाल लिया है। कैप्टन शिवा इस वक्त 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। ये पहली बार है कि आर्मी ने किसी महिला को इस मुश्किल पोस्ट पर तैनात किया हो। कैप्टन शिवा की तैनाती कुमार पोस्ट पर की गई है, जो कि उत्तरी ग्लेशियर बटालियन का हेडक्वार्टर है। आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि ये मोर्चा कितना मुश्किलों से भरा हुआ है और यहाँ एक मिनट बिताना कितना मुश्किल है। आज इस मुश्किल मोर्चे पर कैप्टन शिवा चौहान मुस्तैदी से जुटी हुई हैं और वाकई देश से सलाम कर रहा है। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। इसी 15,632 फीट की ऊंचाई पर भारत की जावाज कैप्टन शिवा चौहान ने इतिहास रच दिया है। दरअसल कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया है। वो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। शिवा चौहान सेना से जुड़ी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में कैप्टन है। उन्हें सियाचिन के कुमार पोस्ट में तैनाती मिली है। अब उनकी इस उपलब्धि की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कैप्टन शिवा एक मिसाल बन गई है। कड़ी तपस्या यानी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने इस बर्फीले युद्ध क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। खुद फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की, साथ ही कैप्टन शिवा चौहान के बुलंद हौसलों की तारीफ भी की। कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने उदयपुर से अपनी स्कूलिंग की है। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री है। महज 11 साल के कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। बचपन से ही शिवा चौहान ने सेना में जाने का सपना संजोया था। इसके लिए उन्होंने चेन्नई में कड़ी ट्रेनिंग ली, फिर उन्हें इंजीनियरिंग रेजिमेंट में एडमिशन मिल गया। इसके बाद उन्होंने बर्फीले तूफान और दूसरे मुश्किल हालात में भी ट्रेनिंग ली। आज कैप्टन शिवा 15,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। यानी हम और आप महफूज हैं, तो इसमें हमें शिवा के जावाज कंधों का भी बड़ा सहारा है। हम जब घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो कैप्टन शिवा चौहान इसी बर्फीले इलाके में अपने कुछ और साथियों के साथ निगाहें टिकाकर अपना फर्ज पूरा करने में दिन रात जुटी रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कितना दुर्गम ये चोटियां होती हैं, कितनी ठंड यहां पड़ती है। सर, हम देखिए, कैप्टन शिवा जिस मिशन पर हैं, वो मिशन जो है कतई आसान नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर ऐसा मार्च है कि दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में ये गिना जाता है और यहां सरहद की हिफाजत के लिए 3,000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। भारत सरकार जो है सियाचिन पर मौजूद जवानों पर हर दिन करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसमें देखिए, सैनिकों की वर्दी, जूते और स्लीपिंग बैग्स भी शामिल होते हैं। यहां देश के जवानों को केवल दुश्मन से ही नहीं जूझना होता, बल्कि मौसम भी यहां कड़ी से कड़ी परीक्षा लेता है। कुछ साल पहले देखिए, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को पर्सनल किट दी गई थी और ये किट जो है उन्हें सर्दी के टॉर्चर से बचाती है। यहां आमतौर पर मौसम इतना खराब हो जाता है कि सिर्फ गनशॉट फायर करने या मेटल का कुछ भी छूने से ठंड से उंगलियां जो है अकड़ सकती हैं, इतनी ठंड। कल्पना कीजिए, ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये बयां कर रही हैं कि कैसे वहां हालात होते हैं। और इस मोर्चे पर इसी माहौल में देश की पहली महिला ने मोर्चा संभाला है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सियाचिन का वो कौन सा सच है जो हमारे जवानों की फौलादी ताकत की गवाही देता है और क्यों इस जगह को दुनिया का सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए, सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो साल भर बर्फ से ढका रहने वाला बेहद मुश्किल मोर्चा इसे माना जाता है वैभव। और सबसे मुश्किल मोर्चों पर सर्दियों में जो तापमान है वो -50 से -70 डिग्री तक पहुंच जाता है। आप खुद ही सोचिए कितनी विषम परिस्थितियां रहती हैं। बिल्कुल, देखिए कभी कभी यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता और इस जीरो विजिबिलिटी में भी हमारे सैनिक जो हैं यहाँ मुस्तैद रहते हैं, मौजूद खड़े रहते हैं एक चट्टान की तरह। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद युद्ध क्षेत्र है। बिल्कुल, यहाँ पिछले 38 साल से भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने। सियाचिन रणनीतिक लिहाज से इसीलिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से चीन और पाक की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। बिल्कुल, सियाचिन ग्लेशियर देखिए
1984 में मिलिट्री बेस यहां पर बनाया गया था और यहां के मौसम की कड़ी परीक्षा का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 1984-2015 तक 873 सैनिकों ने अपनी जान केवल मौसम की वजह से गंवाई। सियाचिन ग्लेशियर पर 3000 सैनिकों की हमेशा ही तैनाती जो है वो रहती है। यहां मौजूद सैनिकों पर सरकार हर दिन करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। 2021 में देखिए सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवानों को पर्सनल किट दी गई जिससे उनके लिए यहां रहना जो है थोड़ा आसान हुआ। सियाचिन जो है ग्लेशियर की सबसे खतरनाक बात यही है कि यहां ज्यादा रहने से सुनने और दिखने में दिक्कतें आना भी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी यहां ज्यादा ठहरने से याददाश्त जाने और उंगलियों के गल जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस पूरे युद्ध क्षेत्र में ऑक्सीजन की बेहद कमी है और यही बात इस इलाके को मुश्किल बनाती है। देखिए सियाचिन में हिंदुस्तान का दम आपने देख लिया, अब बात उस खबर की कर ली जाए जो चीन से जुड़ी हुई है। दरअसल चीन कितना भी चालाक क्यों ना बन जाए लेकिन वो अपनी ही चुनौतियों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। इसे कबूल करती हुई खुद चीन की सेना की तरफ से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें देखिए ये मान लिया गया है कि उसने अपने नौसेना के बेड़े में भले ही अपग्रेड कर लिया हो लेकिन उसके पास प्रशिक्षित लोग नहीं है। चालबाज चीन की बढ़ गई है चिंता। चीन की चुनौतियां बढ़ाने वाली आई रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना की कट जाएगी नाक। समंदर का सरताज बनने की मुहिम को लगा बड़ा झटका। अपनी ताकत को दिखाने पर आमादा चीन नई मुश्किलों में है। दुनिया की अगुवाई करने का चीन का ख्वाब चकनाचूर होने वाला है। सबसे बड़ी नौसेना का तमगा ढोने वाला चीन अब नई मुश्किलों से घिर गया है। समंदर में घट रही है चीन की ताकत। चीन के चक्रव्यूह की काट खोजना अब हिंदुस्तान के लिए हुआ आसान। यकीनन हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत के खिलाफ चीन की चतुराई अब उसके काम नहीं आने वाली और ऐसा होगा चीन की उस चिंताओं की बदौलत जिसमें अब उसे अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने को नए सिरे से रणनीतिक बनाने पर मजबूर होना पड़ा है। ये खुलासा हुआ है चीन की पीएलए की एक रिपोर्ट में जिसके हवाले से चीन ने यह कबूल किया है कि सेना के पास अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों को संचालित करने के लिए जरूरी ट्रेंड और स्किल्ड सैनिकों की कमी है। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि एक युद्धपोत के वाइस कैप्टन ने अभी तक एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग एग्जाम पास नहीं किया है। चीनी सेना के मुखपत्र पीएलए डेली की ओर से 26 दिसंबर को पब्लिश रिपोर्ट की माने तो टाइप 056 कावेट झांगे के एक वाइस कैप्टन एक अहम ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा नहीं कर सके। इक्विपमेंट अवेटिंग टैलेंट शीर्षक से छपी रिपोर्ट में बताया गया कि पीएलए नेवी में शामिल नए जहाजों और हाई टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट को संभालने के लिए लोग नहीं हैं। हाल के कुछ सालों में युद्धपोतों के आने पर पुराने जहाज रिटायर किए गए हैं लेकिन इन्हें ऑपरेट करने वाले स्किल्ड लोग नहीं हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2015 में पीएलए को मॉडिफाई करने पर काम शुरू किया है। इस साल की शुरुआत में बीजिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में एक भर्ती अभियान शुरू किया है। इसके लिए आयु में छूट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ पढ़ाने वालों को प्राथमिकता भी दी। इतना ही नहीं, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, सर्वेक्षण और ड्रोन चलाने से जुड़ी ट्रेनिंग को तवज्जो दे रहा है। और तो और चीन ने अत्याधुनिक सैन्य हार्डवेयर जैसे मिसाइल, युद्धपोत, ड्रोन और लड़ाकू जेट विकसित करने में पैसा पानी की तरह बहाया है। ऐसे में सच यही है कि जरूरी मैनपावर का संकट जिनपिंग का विश्व स्तरीय नौसेना बनने और अमेरिकी नौसेना से मुकाबला करने का सपना
चैलेंज से कम नहीं साबित होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात सफर के बीच स्वाद की कर लेते हैं। देखिए, आने वाले वक्त में आपको बिहार से गुजरते हुए या बिहार से आने वाली ट्रेनों में नाश्ते में लिट्टी चोखा, दही चूड़ा और मनेरी लड्डू भी खाने को मिल सकते हैं। ऐसा होगा रेलवे की एक नई पहल की वजह से, जिसे लेकर IRCTC ने काम करना शुरू कर दिया है। क्या ही ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। ट्रेन में सफर के दौरान आपके पास खाने के पहले दो विकल्प है, वेज या फिर नॉन वेज। दोनों कैटेगरीज में भी विकल्प इतने नहीं कि आप अपनी चॉइस का कुछ भी खा सके। इसके बाद रेलवे आपको ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा देता है। हालांकि ये डिलीवरी सिस्टम बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि आप अपने घरों से करते हैं, बल्कि रेलवे में ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। ऐसे में रेलवे की ये नई पहल आपका मूड बनाने वाली है, क्योंकि अब रेलवे अपनी केटरिंग में लोकल से ग्लोबल बनने की तरफ बढ़ने वाले फूड को शामिल कर रहा है। इस कैटेगरी में बहुत जल्द ही शामिल होने वाले हैं लिट्टी चोखा, दही चिवड़ा, मखाना खीर और बिहार का स्पेशल मनेर का लड्डू। यहाँ बाकी जिन डिशेस की बात हुई है वो बिहार से ताल्लुक रखती है, इसीलिए इस फैसले की पहल भी बिहार से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए की गई है। रेलवे अधिकारियों की माने तो लिट्टी चोखा, मखाना खीर, दही चिवड़ा और मनेर के लड्डू को नाश्ते के तौर पर परोसने की तैयारी है, जबकि लंच के लिए मोटे अनाज जैसे बाजरा, कोदो, ज्वार से बनी डिशेस देने की बात की जा रही है। IRCTC के प्लान के मुताबिक बिहार में जिस स्टेशन से ट्रेन रवाना होगी वहाँ की लोकल डिश को ट्रेन में सर्व किया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से यहाँ के दुकानदार काफी खुश हैं। नई कारोबारी संभावनाओं के चलते इन्हें लगता है शहर या प्रदेश की पहचान अब पूरे देश में होगी। बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है निर्णय कि यहाँ जो लोकप्रिय लड्डू है मनेर का, वो विश्व के सभी यात्री, जितने भी पर्यटक लोग हैं, इस लड्डू का स्वाद चखे, तो इससे बड़ी खुशी की बात हम लोगों के लिए तो खैर बहुत बड़ी बात है। इन सामानों के कारोबार से जुड़े लोग मानते हैं कि ये गर्व की बात है। खुशी की बात है कि रेलवे द्वारा जो ये मतलब कि निर्णय लिया गया है, ये हमारे मतलब दुकान से लेके और हमारे क्षेत्र का मर्यादा का मतलब कि और मतलब बहुत अच्छा जो है कि है। अपने इस फैसले पर अमल के लिए रेलवे फूड्स की क्वालिटी चेक और उपलब्धता को लेकर काम में जुट गया है। तो आप घर से आना हो या फिर घर जाना, शहर का स्वाद साय की तरह आपके साथ चलेगा। पटना से मनोज कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्रेन के सफर के बाद अब बात उस सफर की कर लेते हैं जिसके इंतजार जो है बनारस बेसब्री से कर रहा है। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और महत्वाकांक्षी योजना जल्द ही मूर्त रूप लेने वाली है। इसके तहत देखिए, काशी से डिब्रूगढ़ तक गंगा विलास क्रूज सफर करने वाला है। ये यात्रा जो है 13 जनवरी को शुरू होगी और 50 दिन बाद डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। गंगा किनारे बिहार के बक्सर जिले में ये तैयारियां उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, जिसके चलते भारत एक नया इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा है। ये इतिहास होगा किसी भी रिवरशिप का सबसे लंबी यात्रा का, जो यूपी में काशी से शुरू होकर असम के डिब्रूगढ़ तक होगी। इसमें एक अहम पड़ाव पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी होगा। यात्रा के दौरान ये रिवरशिप 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। इस यात्रा की शुरुआत से पहले काशी गंगा विशाल क्रूज शिप 32 स्विस मेहमानों को लेकर कोलकाता से काशी पहुंचेगा। इसे 22 दिसंबर को ही रवाना किया जा चुका है, जो 10 जनवरी तक काशी पहुंच जाएगा। हालांकि उससे पहले इसका अहम पड़ाव बक्सर में भी होगा, जहां इसके स्वागत के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस शिप पर सवार होकर 32 स्विस मेहमान आ रहे हैं, जो अगले 2 दिन तक काशी में रुककर यहां के धार्मिक और आध्यात्मिक ठिकानों को देखेंगे, साथ ही यहाँ के लोकल जायका का मजा लेंगे। इसके बाद 13 जनवरी को काशी से ये गंगा विशाल क्रूज डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी।
इस दौरान 50 दिनों में यह क्रूज 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। खास बात यह है कि यह पहली भारत निर्मित रिवर शिप है। फिलहाल ये क्रूज शिप विश्व विरासत से जुड़ी 50 अधिक जगहों पर रुकेगी। यही वजह है कि बक्सर में इसे लेकर लोग उत्साहित हैं। शायद पता चला है कि कोई विदेशी सैलानी आ रहे हैं, तीर्थास्त्री आ रहे हैं, जो कि यहाँ रामरेखा घाट पर आएंगे और दर्शन करेंगे, क्योंकि ये बक्सर रामरेखा घाट काफी अच्छा धार्मिक स्थल है। श्री रामचंद्र जी यहाँ आए हैं, उन्हीं के शायद देखने सुनने या घूमने के लिए लोग आ रहे हैं। इस क्रूज के रूट में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य भी पड़ने वाले हैं। इसमें सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल है। यात्रा उबाऊ न हो इसके लिए क्रूज पर गीत संगीत, शास्त्रीय कार्यक्रम और जिम की व्यवस्था भी मौजूद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है दुनिया के सबसे लंबे क्रूज से सफर करने का प्लान और ये आइडिया कैसे काशी के लिए एक नई पहचान बनकर सामने आएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पीएम मोदी वाराणसी से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का 13 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। ये रिवर क्रूज वाराणसी से शुरू होकर बांग्लादेश से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। बिल्कुल, देखिए 50 दिनों की यात्रा जो है, ये क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगा और अपने सफर में ये क्रूज जो है 1100 किलोमीटर की यात्रा बांग्लादेश के अंदर पूरी करेगा। इस पूरे सफर में क्रूज पर सवार यात्रियों को 27 रिवर सिस्टम देखने को मिलेंगे। इसमें गंगा, भागीरथी और ब्रह्मपुत्र के साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग 3 भी शामिल है। इस सफर के दौरान देखिए यात्रियों को 50 से अधिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के देखने का भी मौका मिलेगा और जिसमें काशी की गंगा आरती, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और सुंदरबन डेल्टा जैसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस शामिल। बिल्कुल वैभव, और हाल ही में पश्चिम बंगाल के करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन करने के दौरान पीएम मोदी ने इस क्रूज के बारे में भी बताया था। पीएम मोदी के मुताबिक ये अपनी तरह का दुनिया का अनोखा क्रूज होगा। इसमें भारत के बढ़ते क्रूज टूरिज्म की झलक होगी। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के विकास ने इस क्रूज की योजना को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो उसके मुताबिक इस रिवर क्रूज को एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करेगी और इस रिवर क्रूज की यात्रा के जरिए भारत की जो संस्कृति है और सभ्यता है इसको समझने का एक बड़ा मौका जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और सरकार ने देश में 100 राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इन जलमार्गों को पर्यटन के साथ ही व्यापार की जरूरत को भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसमें क्रूज शिप और कार्गो दोनों ही गुजर सकेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित जरूर होने वाला है। देखिए बुलेटिन में अब बात होगी ठंड की, जिससे इस वक्त पूरा उत्तर भारत जो है वो जूझ रहा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में नजर आ रहा है। दिल्ली जिस सर्दी के लिए पहचानी जाती है वो अब लोग महसूस कर रहे हैं। पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। कानपुर का भी यही हाल देखने को मिल रहा है। देखिए पंजाब के पठानकोट, साथ ही साथ अमृतसर में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। बात करें अगर चंडीगढ़ की तो वहां पर भी शीतलहर का प्रकोप है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी मौसम के तेवर जो है चढ़े हुए हैं। राजस्थान के करौली में ठंड से बचने के लिए लोग जो हैं अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए इतनी कड़ाके की ठंड है, ऐसे में ठंड से बचने के तरीके भी आप सभी को जानने चाहिए, तभी हम इस मौसम को एंजॉय कर पाएंगे। देखिए डॉक्टरों की माने तो ठंड के मौसम में बिना वजह घर के बाहर निकलने से हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सुबह शाम को ज्यादा एहतियात बरतने की आप सभी को बहुत जरूरत है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखकर हम सर्दियों का मजा ले सकते हैं। देखिए ठंड से बचने के तरीके भी हमें जान लेने चाहिए। ठंड में इन्फेक्शन होने का, छाती के जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन, सांस की प्रॉब्लम्स, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो इस मौसम में देखने को मिलती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सांस की दिक्कत के लोग हैं, जो इस तरह की हार्ट की बीमारी है, इन सब की ब्लड प्रेशर है, ये सब बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि अपने आप को गर्म रखें, प्रॉपरली कवर्ड रहें, और सुबह और शाम का समय जो सबसे ज्यादा, जब ठंड ज्यादा रहती है उस समय हम एहतियात बरतें। बहुत जरूरी हो तभी निकलें,
मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो पहले अर्ली मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, आई थिंक उनको थोड़ा अपना डिले करना चाहिए या देखना चाहिए, उस समय करें जब थोड़ा सा धूप हो या थोड़ा मौसम सही हो और प्रॉपरली कवर्ड अप रहें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी दवाइयां समय पे लें, ब्लड प्रेशर है, सांस है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अप्रोप्रिएट इलाज किया जाए, सही समय से दवाई लें। दूसरा, फ्लू काफ़ी ज़्यादा होता है इस मौसम में, तो फ्लू वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो अपना फ्लू वैक्सीन अपडेट करें। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से हम इससे निपट पाएंगे। अमूमन इस मौसम में हम कहते हैं कि खून जमा देने वाली ठंड है, शायद ये शीतलहर जो है वो ऐसे में इस पर अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसी परिस्थिति में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको किस तरीके से प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या वो घर से बाहर निकले, जब निकले तो किस तरीके से निकले और कितनी दिक्कतें उनसे? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको भी बताया तो बुजुर्ग लोग हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है। आमतौर पर बुजुर्ग लोग हैं कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रस्त है, ब्लड प्रेशर हो चाहे हार्ट की डिजीज हो, उनका अप्रोप्रिएट प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, कंट्रोल रखें, वैक्सीनेशन अप टू डेट रखें, बहुत जरूरी है। तभी जैसे बताया कि सुबह की सैर के लिए लोग निकल रहे हैं तो तभी निकलें अगर बहुत जरूरी है, नहीं तो अवॉइड करें। अगर निकलते भी हैं तो गर्म कपड़े पूरी तरह से सर कान छाती कवर करके निकलें, गर्म पदार्थ पेय हैं उनका इस्तेमाल करें, वेल हाइड्रेटेड रहें, अच्छे से लिक्विड इंटेक रखें, गर्म लिक्विड्स का लें। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम अपनी सर्दी से लड़ सकते हैं। तो देखिए, सर्दी और कोहरे का जो डबल अटैक है वो लगातार दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। इंडिया गेट का इलाका हो या फिर संसद मार्ग का, सराय काले खां का इलाका हो या फिर करनाल बाईपास का, हर जगह कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है और जो लोग दूर दराज से दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं सबसे बड़ा संकट उनके लिए खड़ा हो जाता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इन लोगों के लिए अस्पताल के पास एक शेल्टर के इंतजाम किए हुए हैं। दिल्ली एम्स के पास मरीजों और परिजनों के लिए क्या व्यवस्था की गई है और क्या क्या सहूलियतें हैं वहां पर, ये दिल्ली से हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ठंड का कहर जारी है, रात में तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच है, ठंडी हवाएं भी चलनी शुरू हो गई हैं, मतलब मौसम की मार अब जबरदस्त दिल्ली NCR पर पड़ने लगी है। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने उन लोगों के लिए क्या इंतजाम किया है जिनके पास दिल्ली में कोई परमानेंट छत मौजूद नहीं है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली में एम्स अस्पताल के बाहर, ये पूरा एम्स का इलाका है, एम्स अस्पताल है यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम लोग दूसरे राज्यों से दूसरे शहरों से आते हैं अपनों का इलाज कराने के लिए। उनके लिए ये रैन बसेरा एक बहुत अच्छा साधन होते हैं जहाँ पर अपनी सर्दियों की रात काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ से लेकर यहाँ तक ये हैंगर्स बनाए गए हैं, कुल कैपेसिटी इनकी फिलहाल 280 के आसपास बताई जा रही है। ये तो बात हुई बाहर की, लेकिन अंदर इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं या क्या कुछ कमियां भी हैं वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैंगर अंदर हम पहुंचे हैं और अंदर लाइन से बेड लगे हुए हैं, ये फोल्डिंग्स हैं और इनके ऊपर आप गद्दे देख रहे हैं, चादर है और कंबल यहाँ पर दिए जाते हैं जो लोग यहाँ पर लेटते हैं। हालांकि कंबल की संख्या कितनी होगी ये तय नहीं है, जिसको जितने चाहिए, ठंड लग रही है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। और हमें फिलहाल ये बताया गया है कि सुबह शाम खाना आता है, चाय भी आती है, नाश्ता भी आता है, लेकिन बहुत जरूरी है उनकी बात सुनना जो यहाँ पर रह रहे हैं काफी दिनों से। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मैं MP से आया हूँ, दशरथ तिवारी मेरा नाम है। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बढ़िया व्यवस्था चल रही है। क्या कुछ मिलता है? वही सब्जी रोटी मिलती है, खाना मिलता है। खाना मिलता है। कितने टाइम? शाम को 5 बजे और सुबह वो 10:30 पर। अच्छा, क्या बता रही हो? सुबह में दाल चावल है, शाम में रोटी सब्जी है। चाय वाय? चाय सुबह में ठीक है। अब हमें इसी मजबूरी में तो ठीक है, खाना चाहिए इसी मजबूरी। मतलब बिस्तर वगैरह ठीक से मिले हुए, कंबल वगैरह ठीक है। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? चतुर्भुज, झांसी से आए। झांसी से आए हैं। व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? हाँ, बढ़िया है साहब। क्या क्या मिलता है खाने पीने के लिए? खाने पीने दिन भर बढ़ता रहता है साहब, खाना तो कोई हलवा मिलता है, कोई वो सब्जी रोटी पूरी सब्जी, दिन भर खाना बढ़ता ही रहता है साहब। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत। बिस्तर बढ़िया है, गद्दा सब ठीक? बढ़िया है, सब बढ़िया है साहब। फिलहाल ये जगह है एम्स के बाहर और जितने भी लोगों को यहाँ
फिलहाल रैन बसेरा के अंदर जगह मिलती है वो तो यही बता रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर होती है, सभी को रैन बसेरा में जगह मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो लोग कम से कम यहाँ पर हैं वो फिलहाल व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। कैमरामैन संजय के साथ मनीष सरसिया, न्यूज टुडे, दिल्ली। देखिए ठंड लोगों को जो है वो सता रही है, लेकिन इस मौसम का आनंद लेने के लिए लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहाँ इंडिया गेट पर दोपहर से लेकर देर रात तक लोगों का जमावड़ा जो है वो लगा रहता है। इंडिया गेट के पास वाले इलाके को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संवारा गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सर्दी में सैर सपाटे के साथ लोग यहाँ खाने पीने का भी जमकर मजा ले रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हुए भी नजर आ रहे हैं। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ दिल्ली में कड़ाके की ठंड है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इंडिया गेट पर मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी साफ देखे जा सकते हैं। दिल्ली मैं तो हमेशा आता रहता था, लेकिन फैमिली को लेके आने की बहुत पुरानी इच्छा थी कि पूरा ये इंडिया गेट, राजपथ, राष्ट्रपति भवन ये दिखाना चाहता था। तो मैं पूरे फैमिली के साथ, मेरा बच्चा जो 3 साल का है, लड़की 8 साल की है, मेरी वाइफ, मैं सबको लेके आया। अभी मैं पूरा उनको दिखाया हूँ यहाँ, फिर कनॉट प्लेस भी दिखाने वाला हूँ। ये छुट्टी मनाने के लिए हम लोग आए हैं, हम 12 लोग अभी आए हैं छुट्टी मनाने। पहले हमने वो कुतुब मीनार देखा, बाद में ये अपना ये लोटस टेम्पल देखा, और बाद में अभी टाइम हो गया इधर आ गए हैं इंडिया गेट देखने के लिए। और हमको वैसे तो सब कुछ बढ़िया लगा। क्रिसमस वेकेशन थे तो घूमने आए थे यहाँ पे, जम्मू कश्मीर से यहाँ आए। कैसा लगा आपको दिल्ली? अच्छा लगा, अच्छा था एक्सपीरियंस। आज फर्स्ट डे है, आज पार्लियामेंट हाउस वगैरह इंडिया गेट देख के अच्छा लगा। तो मैं अभी लाल किला देख के आ रहा हूँ, और उसके बाद मैं चांदनी चौक गया था शॉपिंग करने, और जामा मस्जिद गया था। अब मैं इंडिया गेट आया हूँ और थोड़ा प्रेसिडेंट हाउस देखूंगा अभी जाके। तो देखिए बर्फबारी भी जबरदस्त हो रही है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में ताजा बर्फबारी हुई है, और यहां हुई बर्फबारी से मां गंगा के दरबार में सफेद चादर बिछ गई है, और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने अपने हाथों से इस मंदिर का श्रृंगार किया हो। आलम यह है कि जहां तक नजर दौड़ाएंगे आप, तो वहां पर सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। इन दिनों शीतलहर के लिए मां गंगा का मंदिर बहुत जो है बंद हो चुका है, और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, और मां गंगा की डोली जो है हर्षिल के पास मुखबा गांव में विराजमान है, और इसी गांव में सर्दियों में उनके दर्शन और पूजा होते हैं। देखिए ठंड सिर्फ हम इंसानों को नहीं सता रही, बल्कि बेजुबान जानवर भी ठंड का जो सितम है वो झेल रहे हैं। ऐसे में लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ जानवरों के बाड़ों में हीटर जो है वो लगाया गया है। इस चिड़ियाघर में आप अजगर या मगरमच्छ को हीटर के आगे लेटा हुआ देख सकते हैं। ऐसे ही इंतजाम बंदरों के पिंजरों में भी किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसे बाड़े बनाए गए हैं जहाँ दिन के वक्त सूरज की रोशनी पड़ती है, ताकि जानवर सर्दियों में धूप का मजा यानी कि आनंद ले सके। साथ ही चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों की डाइट में भी बदलाव किया है। मांसाहारी एनिमल को उबला हुआ मांस दिया जा रहा है, जबकि शाकाहारियों को इस मौसम में होने वाली सब्जियां और फल जो है वो परोसे जा रहे हैं। जानवरों की पूरी सुरक्षा की जा रही है, ठंड बढ़ रही है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ पे आवश्यकता अनुसार वहाँ के चिकित्सक जो जू के होते हैं या वहाँ के जो स्टाफ है वो जहाँ बतलाता है वहाँ पर हीटर आदि का इंतजाम किया गया है। कुछ जगहों पे कंबल तक रखे गए ताकि जानवर बैठना चाहे तो कंबल पे बैठ सकता है। और आइए अब आपको मिलवाते हैं जोश और जज्बे की जीती जाती मिसाल से। कड़ाके की सर्दी, हाड़ कपा देने वाली हवाएं, कभी बर्फबारी, कहीं कोहरे की फुहार, इन सभी को चीरते हुए भारत की दो बेटियां साइकिल चलाकर लखनऊ पहुंच गईं, और अनामिका विष्ट और सविता महतो ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने इन दोनों को आशीर्वाद दिया। इससे पहले देखिए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने दोनों साइकिल सवारों का
फूलमाला के साथ स्वागत किया था और इन दोनों ने जम्मू कश्मीर के उरी से यात्रा की शुरुआत की और बांग्लादेश के ढाका जाकर पूरी होगी ये यात्रा। इतनी लंबी यात्रा है, ये रोजाना 120 से 150 किलोमीटर तक का साइकिल से सफर करती हैं और 25 दिनों में ये 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। सेना के सम्मान में इन्होंने अपनी इस साइकिल यात्रा को निकाला है। मैसेज का राइड फॉर रियल हीरोज, जो हमारे सेना, पूरी सेना को जो तैनात हमारे बॉर्डर्स में, उनको हम डेडिकेट करना चाह रहे हैं ये राइड। यही मैसेज रहेगी यूपी के लड़कियों के लिए कि आपके पास योगी जी हैं, आप बाहर निकलो, आप सेफ हो और एजुकेशन लो, बिकॉज एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। और वो अभी यूपी के लड़कियों को बहुत सारा स्कोप दे रहे हैं पढ़ने का और सेफ्टी का, तो पूरा ध्यान रख रहे हैं। बच्चियां बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं, प्रतिदिन 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर साइकिल चला रही हैं, अकेले पूरा सफर तय कर रही हैं और उरी जहां पे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी वहां से इनकी जर्नी शुरू हुई है और ढाका पे खत्म होगी। 3000 प्लस किलोमीटर ये लोग कवर करेंगे, अपने में ये बहुत बड़ा फीट है। आपने इंसानों और बेजुबानों के रिश्ते पर बनी फिल्में तो कई देखी होंगी, लेकिन मुंबई में इसकी जीती जागती मिसाल जो है वो देखने को मिली है। एक परिवार ने अपने पालतू कुत्ते के लिए कुछ ऐसा किया कि उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जिंदगी में रिश्ते बहुत खास होते हैं, लेकिन जब ये बेजुमानों के साथ जुड़े तो ये बेशकीमती हो जाते हैं। इसी की एक मिसाल कायम की है मुंबई के इस परिवार ने, जिसने वफल नाम के इस 4 साल के कुत्ते की जान बचा ली। दरअसल इस कुत्ते को जन्म से ही दिल की बीमारी थी, इसी वजह से वो खेलते समय अक्सर थक जाता था, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा था। तो वफल हमेशा खेलने कूदने वाला था, तो फिर लेकिन पहले क्या होता था कि वो दो पांच मिनट खेलने के बाद बैठ जाता था, थक जाता था और बहुत बीमार भी पड़ता था, तो हमें पता चल गया था कि इसमें इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। फिर जब ये परिवार वफल को डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसे इस बीमारी के बारे में पता चला। हुआ ये कि दिल की ये सर्जरी भारत में मुमकिन नहीं थी, फिर इसके लिए दुनिया भर में डॉक्टर्स की तलाश शुरू हुई। इस दौरान अमेरिका और यूरोप समेत कई जगह के डॉक्टर्स के नंबर तलाशे गए। तो इंडिया में कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी उस दौरान, तो हमने बाहरी देशों में देखना शुरू किया, जैसे यूके में देखना शुरू किया, यूरोप में देखना शुरू किया और वफल के ओनर्स ने भी काफी कॉन्टैक्ट्स बनाए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कोविड के कारण ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हम लोग। इसके बाद जर्मनी के एक पशु चिकित्सक ने इस सर्जरी के लिए हामी भर दी। फिर जर्मनी से कार्डियक सर्जन डॉक्टर मथियास फ्रैंक को भारत बुलाया गया। बहुत अर्जेंट हो गया था कि कोई बाहर से आके वो सर्जरी करना एसेंशियल हो गया था। ऑलरेडी वो एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, यानी लंग्स में फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है, तो ऑलरेडी वो स्टार्ट हो गया था कंडीशन, इसलिए बहुत इसेंशियल था कि जल्दी से यह सर्जरी करे, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली वी कुड लूज हिम। जर्मन डॉक्टर को भारत बुलाने पर वफल की सर्जरी की गई, जो सफल रही। अब वफल आम कुत्तों की तरह से खेल कूद रहा है और अब उसे पहले जैसी दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रही। यकीनन ऐसी पहल इंसानियत के लिए एक मिसाल बन जाती है, जहां आज के दौर में कई लोग रिश्तों के मायने भूल जाते हैं, वहाँ इस परिवार ने एक बेजुबान को नई जिंदगी दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और बेजुबानों से जुड़ी एक और शानदार खबर आपको देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले को साल 2023 की शुरुआत में ही बड़ी सौगात मिल गई। पहले केंद्र और फिर राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जिले के दुधवा नेशनल पार्क में तराई हाथी रिजर्व वजूद में आ गया है और ये एलिफेंट रिजर्व क्षेत्रफल के लिहाज से अगर देखें देश का 8वां सबसे बड़ा हाथी रिजर्व होगा और प्रदेश में यह दूसरा हाथी रिजर्व बन गया है। इस हाथी रिजर्व में पीलीभीत का टाइगर रिजर्व, बहराइच का कतरनिया घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व के अलावा दक्षिणी खीरी रेंज का मोहम्मदी और
महेशपुर रेंज भी शामिल किया गया है। इस हाथी रिजर्व के बनने से सबसे बड़ा फायदा जो है किसानों को होने जा रहा है, क्योंकि हाथियों की वजह से किसानों की खेती का नुकसान हो जाता है और अब जो है हाथी रिजर्व बनने से फसल का मुआवजा देने में आसानी जरूर हो जाएगी। नए साल में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक बेहद ही खुशी की खबर आई। भारत सरकार के स्तर से पहले ही मंजूरी मिली थी, राज्य सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी और तराई हाथी रिजर्व अस्तित्व में आ गया। तो ये सभी प्रदेशवासियों के लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व बना है, देश का 33वां हाथी रिजर्व बना है और प्रदेश में पहले से जो हाथी रिजर्व था उसकी तुलना में लगभग चौगुना है इसका क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बड़ा बदलाव जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। ये बदलाव खेती के क्षेत्र में एक नई कहानी को रच रहा है, गढ़ रहा है। किसानों की स्थिति में सुधार की ये कहानी अब दूर तक असर दिखाती हुई नजर आ रही है। ये कहानी है प्रयागराज के ट्रांस यमुना इलाके की। ये इलाका अब गुलाबों की खुशबू से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। गुलाबों की मांग ने यहाँ के किसानों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं, उसका लाभ जमकर उठाया भी जा रहा है। अब ट्रांस यमुना का इलाका गुलाब की टोकरी बन गया है। यहाँ से गुजरने पर आपकी नजरों में जो नजारा दिखेगा वो अद्भुत है। विभिन्न किस्मों के रंगीन गुलाब आपकी नजरों से उतरेंगे ही नहीं और मीठी सुगंध के क्या कहने, ये आपको अनायास ही अपना दीवाना बना लेगी। गुलाब की खेती के चलते यहाँ लोगों को रोजगार भी खूब मिल रहा है। और उसी क्रम पर रुख करते हैं गुजरात के राजकोट का। मकर संक्रांति के मौके पर देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी होती है और गुजरात का आकाश जो है इस दिन रंग बिरंगी पतंगों से सराबोर हो जाता है। पतंगबाजी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और राजकोट के बाजारों में रंग बिरंगी पतंगें सजने लगी हैं। मकर संक्रांति बेहद करीब है, ऐसे में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के अलावा पतंग की डिमांड भी खूब रहती है, लिहाजा राजकोट में पतंग बनाने का काम जोरों पर है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से पतंगबाजी पर भी रोक थी, लेकिन महामारी से थोड़ी राहत के बाद अब एक बार फिर आसमान की ऊंचाइयों में उम्मीद भरी पतंग लोगों को खुशी देने वाली है। हालांकि इस बार पतंगबाजी के लिए लोगों को जेब और ढीली करनी पड़ेगी। खरीदी करने तो आया हूं पतंग दोरा, और दाम भी बड़े हैं 20 से 40 से का, फिर भी पतंग दोरा मैं खरीदी करूंगा और ये मेरा शौक है। और पतंग दोरा सब उड़ाते हैं, हम भी इतने शौक से उड़ाते हैं तो मैं आज खरीदी तो करूंगा। भाव थोड़े बड़े हुए हैं इसलिए, जो भी है क्वालिटी भी अच्छी है और भाव भी बड़े। मकर संक्रांति के लिए तरह तरह की थीम की पतंगों से बाजार सजने लगे हैं। लोगों पर मोदी योगी की तस्वीरों वाली पतंगों का भी खुमार चढ़ने लगा है। एक्चुअल में तो सबसे पहले ये बात बोलना चाहूंगा कि इस बार कोरोना नहीं है। लास्ट ईयर कोरोना था, इस वजह से थोड़ी गिरागी कम थी, लेकिन इस बार दिख रहा है कि गिरागी निकलेगी और बहुत अच्छी निकलेगी। और दाम की बात करते हैं तो हर साल दाम बढ़ता ही रहता है, लेकिन क्या है इस बार भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन सामने पब्लिक की डिमांड भी उतनी ही है जितनी इस बार वो संक्रांति मनाना चाहेंगे। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार मकर संक्रांति पर पतंग का कारोबार बेहतर होगा। वैसे तो पूरे देश में पतंगबाजी होती है, लेकिन गुजरात में पतंगबाजी का क्रेज किसी महोत्सव से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुख करते हैं मेरठ का। देखिए मेरठ एक ऐतिहासिक शहर है और इस शहर में अब एक और इतिहास जो है वो रच दिया गया है। दरअसल यहाँ तैयार एक घड़ी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। क्यों ये घड़ी है इतनी खास, चलिए आपको बताते हैं। तस्वीरों में दिख रही ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है। ब्रेसलेट की तरह बनी ये घड़ी दुनिया की बेहद खास घड़ियों में से एक है, क्योंकि इस घड़ी को करीब 9 महीने में 40 कारीगरों ने अपने हाथों से तराशा है। मेरठ के रहने वाले आभूषण कारोबारी और डिजाइनर हर्षित बंसल ने इस घड़ी को डिजाइन किया है। 377 ग्राम सोने और 55 कैरेट के कुल 17,524 हीरे इस घड़ी में लगे हैं। घड़ी को बनाते ही हर्षित का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया।
ऐसा नहीं कि हर्षित ने ऐसी कारीगरी पहली बार दिखाई है। इससे पहले हर्षित ने साल 2020 में 12,635 हीरे जड़कर एक अंगूठी बनाई थी, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा हीरों वाली अंगूठी थी। हर्षित आभूषण कारीगरी की दुनिया में भारत की अलग पहचान बनाने में जुटे हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ फिलहाल शुभ समाचारों में वक्त चला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन कल हम हाजिर हो जाएंगे आपके लिए ढेर सारी गुड न्यूज़। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए इसी तरह। नमस्कार।